हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो थ्योरम है द ड्यूल ऑफ अ ड्यूल ऑफ अ प्राइमल प्रॉब्लम इज द प्राइमल, यानी कि किसी आदि समस्या की द्वैती की द्वैती। ये आदि समस्या होती है, हम किसी कोई प्राइमल प्रॉब्लम लेंगे और उसके हम ड्यूल चेंज करेंगे, उसके बाद उसको हम प्राइमल मान के उसकी भी हम ड्यूल चेंज करेंगे, तो हमारे पास वही प्राइमल प्रॉब्लम आ जाएगी। ये हमें शो करना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम शो करते हैं सॉल्यूशन या प्रूफ। प्रूफ करते हैं तो हमने सबसे पहले प्राइमल प्रॉब्लम लेते हैं। लेट प्राइमल प्रॉब्लम, हमने प्राइमल प्रॉब्लम ले ली जेड पी मिनिमम जेड पी इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड बी बिलोंग्स टू आर एन। फिर से हमारे पास प्राइमल प्रॉब्लम है। अब हमें इसकी ड्यूअलिटी चेंज करनी है, जहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ एम क्रॉस एन। अब हम इसकी ड्यूअलिटी चेंज करते हैं तो इसकी ड्यूअलिटी क्या होगी फ्रेंड्स? इसकी ड्यूअलिटी होती है हमारे पास सिंपली, ये मिनिमम होता है वो मैक्सिमम बदल जाता है। मैक्सिमम एक नया वेरिएबल दे देते हैं हम ओमेगा, नया मैक्सिमम ओमेगा डी इक्वल टू मैक्सिमम में ये क्या होता है बी का ट्रांसपोज हो जाता है, बी ट्रांसपोज ओमेगा और सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या होती है वो होती है ए ट्रांसपोज ओमेगा लेस देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज, ये हो गया। एंड ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड सी बिलोंग्स टू आर एन। अब फ्रेंड्स ये हो गया। अब हमें इस प्रॉब्लम को, ये मैक्सिमम वाली प्रॉब्लम को हमें प्राइमल प्रॉब्लम मानना है। अब इसको प्राइमल प्रॉब्लम में हम इसी तरह मानेंगे क्योंकि मिनिमम में चेंज करेंगे पहले, तो इसको मिनिमम में चेंज करने के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम को मिनिमम में चेंज करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास मिनिमम ओमेगा डी इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज ओमेगा और सब्जेक्ट टू जो कंडीशन रहेंगे हमारे पास वो, फ्रेंड्स हमारे पास कंडीशन यही रहेंगी ए ट्रांसपोज ओमेगा। अब यहाँ पे ये कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल में चेंज करनी है तो हमें माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस का ए ट्रांसपोज ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज एंड ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सी बिलोंग्स टू आर एन। अब फ्रेंड्स ये चेंज हो गया हमारे पास। अब हम इसको प्राइमल प्रॉब्लम मानते हैं, तो फिर इसकी हम ड्यूअलिटी करते हैं, ड्यूअलिटी ऑफ इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसको टू थ्री ड्यूअलिटी ऑफ इक्वेशन थ्री, ड्यूअलिटी ऑफ थ्री इसकी चेंज करते हैं तो ये क्या होगा, मिनिमम को मैक्सिमम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा मैक्सिमम और इसको हम एक नया वेरिएबल दे देते हैं जेड जेड डी इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम सी ट्रांसपोज को, सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिखना होगा हमें, तो सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और जेड और सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या होंगे हमारे पास, माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जेड लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लेस देन इक्वल टू में हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे। यहाँ फ्रेंड्स माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा, ये आ गया हमारे पास। एंड जहाँ पे जेड आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड बी ट्रांसपोज बिलोंग माइनस बी ट्रांसपोज बिलोंग्स टू आर एन, ये हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें इसको मिनिमम में चेंज करते हैं, ये हमें ड्यूअलिटी की हमने ड्यूअलिटी निकाल ली है, अब इसको हम मिनिमम में चेंज करते हैं क्योंकि हमें इसी फॉर्म में लाना है, इसी फॉर्म में लाने के लिए मिनिमम वाला चेंज करना होगा। तो फ्रेंड्स मिनिमम में चेंज करने के लिए ये हो जाएगा इक्वल टू, मिनिमम में चेंज किया तो मिनिमम जेड डी इक्वल टू फ्रेंड्स हमने यहाँ मिस्टेक की थी, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई किया है तो माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा,
माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा। तो ये मिनिमम जेड डी इक्वल टू, यहाँ पे माइनस में है तो माइनस का मिनिमम में बदलते हैं, माइनस से करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सी रहेगा जेड एंड सब्जेक्ट टू, ये आ जाएगा फिर से हमारे पास माइनस ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये ट्रांसपोज एंड सॉरी ये ट्रांसपोज ट्रांसपोज यही रहेगा जेड, और हमारे पास लेस देन इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी रहेगा ये हो गया, और जेड आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड बी बी बिलोंग्स टू आर एन ये हो गया। फिर यहाँ पे माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, या इसको हम लिख सकते हैं मिनिमम जेड डी इक्वल टू सी जेड सब्जेक्ट टू, जो कंडीशन होंगे वो होंगे हमारे पास, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये होगा ए जेड ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड जेड आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और बी बिलोंग्स टू आर एन। फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम जेड को एक्स से रिप्लेस कर दें, जेड को इसी एक्स से रिप्लेस कर दें क्योंकि हमने वेरिएबल माना है, तो इससे रिप्लेस कर देने पर यह आ जाएगा हमारे पास मिनिमम मिनिमम जेड पी, मिनिमम जेड पी इक्वल टू सी एक्स और सब्जेक्ट टू ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी और एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बी बिलोंग्स टू आर एन। फिर हमने ये देखा जो जो हमारे पास प्राइमल प्रॉब्लम थी, ये हमने प्राइमल प्रॉब्लम लेके चले थे और उसकी हमने ड्वेलिटी चेंज की, उस ड्वेलिटी को हमने फिर से प्राइमल में चेंज किया, प्राइमल की फॉर्म में लिखा हमने उसको, उसके बाद उस प्राइमल प्रॉब्लम की फिर से हमने ड्वेलिटी चेंज की, यानी कि हमने ड्वेलिटी की ड्वेलिटी चेंज की, तो हमारे पास वही प्राइमल प्रॉब्लम आ चुकी है ये, जो कि हमारे पास जो थ्योरम थी उसका सॉल्यूशन आ गया, प्रूफ आ गया ये। थैंक यू फ्रेंड्स।